सो गाइज, माय नेम इज आशीष एंड यू आर वाचिंग रेसल स्ट्रोक एज स्टाइल वर्सेस एज के बीच में काफी अच्छा आज के हेल इन अ सेल 2022 में हमें मैच देखने को मिल रहा है। तो इस मैच के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पे पहली बार मीट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन पे ऑल पे शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए सेलिब्रेट वीडियो का शुरू करते हैं। वेल गाइज, आज के हेल इन अ सेल 2022 में हमें एज स्टाइल वर्सेस एज के बीच में काफी अच्छा हमें अभी मैच देखने को मिल रहा है, क्योंकि एज स्टाइल भी टैग हो चुके हैं, एज भी टैग हो चुके हैं, और रेसलमेनिया का या रेसलमेनिया बैकलैश का एक बार फिर से रिवाइंड में जाके हमें ये वाला मैच देखने को मिल रहा है। राइट नाउ अभी कुछ इस प्रकार से एज स्टाइल वर्सेज एज के बीच में काफी अच्छा मैच हो रहा है, और ये आप कह सकते हो कि ये इतना बड़ा ड्रीम मैच आई थिंक तीसरी बार हो रहा है। तीसरी बार इन दोनों का कन्फ्रंटेशन तो आप नहीं कह सकते हो कितने बार कन्फ्रंटेशन हो चुका है, लेकिन तीसरा बार ये वाला मैच हमें देखने को मिल रहा है एज स्टाइल वर्सेज एज के बीच में। और आज के हेल इन अ सेल 2022 में कुछ यही वाला सीन अभी क्रिएट है, जहाँ पे एज स्टाइल वर्सेज एज काफी अच्छा मैच में फाइट कर रहे हैं, और ये वाला मैच कुछ इस प्रकार से WWE अनाउंस करती है, और कुछ ये वाला भी मैच हमें देखने को मिल रहा है जजमेंट डे वर्सेज एज स्टाइल फिन बैलर एंड लिव मॉर्गन के बीच में। तो राइट नाउ अभी हमें कुछ ऐसा सीन देखने को मिल रहा है कि एज वर्सेज एज स्टाइल के बीच में काफी अच्छा अभी हमें सीन देखने को मिल रहा है, और ये वाला मैच अगर आप कह सकते हो कंटिन्यू रहता है तो काफी चीजें आप लोग एक्सपेक्टेशन कर सकते हो, जैसे कि काफी अच्छा हमें ब्रूटल फाइट देखने को मिल सकता है स्टाइल्स वर्सेज एज के बीच में। 6 पर्सन का टैग टीम मैच है, आई थिंक इस मैच में तो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं ही होगा, तो देखते हैं डिस्क्वालिफिकेशन होता है या नहीं। लेकिन गाइज हमें अभी राइट नाउ आज के हेल इन अ सेल 2022 के रिंग में कुछ यही चीज हमें देखने को मिल रहा है, और जहां तक कि मुझे लग रहा है कि इस मैच को ऑर्गनेबल की जजमेंट डे जीत सकते हैं और वो हरा देंगे एज स्टाइल फिन बैलर एंड लिव मॉर्गन को। तो देखते हैं क्या होता है इस मैच का रिजल्ट, लेकिन बाकी आज के हेल इन अ सेल 2022 के रिंग में कुछ यही चीज़ हो रहा था जो कि मैंने सोचा कि चलो आपको बता दिया जाए। तो बाय बाय फ्रेंड्स।